बढ़ चुका है। आज मैं सवेरे सुन रहा था मोहन भागवत जी ज्ञान दे रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर के बारे में उनका क्या सोच है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद शस्त्रागार लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रहा है, पूरा मणिपुर अशांत पड़ा हुआ है, हिंसा के दौर से गुजर रहा है, टीवी पर कहीं नहीं, चर्चा के दौरान कहीं नहीं, उस पर किसी तरह का कोई डिबेट नहीं हो रहा, सरकार मौन पड़ी हुई है, देश के गृह मंत्री मौन पड़े हुए हैं, और आप कहते हैं कर्नाटक के चुनाव में कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हिंसा का पूरा रास्ता खुल जाएगा, और आपकी सरकार है मणिपुर में पूरा रास्ता खुला हुआ है, उसके बारे में आपका संज्ञान नहीं। तो ये जो चुनावी एजेंडे के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संघ देश को जो नफरत के राह पर लाकर देश में एकता अखंडता को जो रौंदा है, उसका परिचायक है मणिपुर की घटना। जो आरएसएस ने वैचारिक रूप से जो देश के इतिहास भूगोल को बदलने की कवायद की है, गलत तथ्यों को पेश करके दुनिया भर में भारत का जो आध्यात्म जो संस्कृति को रौंदा है, मैं समझता हूं कि पूरा देश देख रहा है। और जो एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं, भले अपने अंदर तो लाएं, उसके बाद देश के बारे में कुछ कहें। आरएसएस और भाजपा में अंतर क्या है? ये बार बार जो अंतर दिखाने की कोशिश की जाती है, ये अंतर क्या है? ये केवल देश को विषयांतर कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लूट रहा है, एक देश को हिंसा में ढकेल रहा है, एक देश का अर्थव्यवस्था डूबो रहा है, एक देश में बेरोजगारी फैला रहा है, और उस पर मोहन भागवत जी मरहम लगाकर देश का ध्यान आकृष्ट कराकर ये कहना चाहते हैं कि हम लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।